किसके हाथ में? शाम को ना आता मेरे बेटे, क्या हुआ है? क्यों गुस्से में हो? क्यों घूम रही हो? क्या मसला है? तो मुझे भी बताओ। नहीं अम्मी, गुस्से में किस बात का है? बस ये परेशानी है, जायद को काम नहीं मिलता। हाथ फिर गया तो है नौकरी के लिए, लेकिन अल्लाह बेहतर करती है, अल्लाह सारी मुश्किल हाल करती। इतनी परेशानी नहीं देता। परेशानी नहीं अम्मी, परेशानी से ज्यादा डर है। नहीं बेटे, नहीं डर के दया ना, अल्लाह कामयाब होने करसी। काम ते गियो है अल्लाह सारा काम मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो सारा गुस्सा आके मेरे ऊपर उतार देते हैं। अल्लाह बेहतर शुरू हो जाते हैं, बस इसी बात पर डाल रहे हैं। चलो अल्लाह करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसके हाथ में? शाम को ना आता पानी भी नहीं पीने दिए, शुरू हो जाती। मैंने सिर्फ यही पूछा ना कि मिल गई कि नहीं। नहीं मिली तो आप बोल दो नहीं मिली। मिल गई होती तो शाम को ना आता, सारा दिन ड्यूटी कर दिया। अभी यहाँ तो नहीं मिली ना, परेशान करके रखा हुआ हर टाइम हर टाइम। एंड दो जगह दिया हुआ है नहीं काम, क्या करूँ? नंबर शंबर दे के आ गई हूँ, देखो दुआ करो हो सकता काम करने को। हर टाइम का ये आपकी दिहाड़ी कर लो यार, इतनी गर्मी है दिमाग फट रहा है। दे दे के सारी दुनिया दिहाड़ी करके, चलो आप कोई मजदूरी कर लो। आप ही कहते हो बस ऑफिस वाली जॉब। क्या क्या करूं, पढ़ लिख के दिहाड़ी में नौकरी करूं? पकड़ो इसको, उतारो उतारो। बन ठान के तो ऐसे जाते हो जैसे कि अपना अब्बे का बिजनेस है। इसीलिए नहीं मिल रही ना, पीछे से यही। नौकरी नहीं मिलती तो इसमें मेरा क्या कसूर है? जब देखो हर बात पे लड़ते रहता है, लड़ता रहता है। या अल्लाह हमारी मदद कर। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो? सबर करो, अल्लाह जैसी रोजी, नमाज पढ़ा करो, इबादत की। चलो तीन बेटा, क्या हुआ है? अम्मी क्या बताऊँ, वही रोज वाला मसला है, वही परेशानी है, वही जब नौकरी नहीं मिलती घर आते हैं मुझ पे बरस पड़ते हैं। सबर करो, अल्लाह जैसी मेरा क्या कसूर है इसमें? नमाज पढ़ो, इबादत करो, अल्लाह जैसी रोजी, सबर करो, लड़ा ना कुछ नहीं बनता। हाँ अम्मी, आप कह तो आप ठीक रही हैं, अल्लाह से मदद मांगती रहती हूँ, अल्लाह की इबादत तो करती नहीं हूँ। इबादत करो, मैं भी दुआ करती हूँ, तुसे भी दुआ करो, अल्लाह देसी रोजी, चुप करो। बस ठीक है अम्मी, आपने मुझे अच्छा रास्ता दिखा दिया। या अल्लाह पाक तो रहीम है, तो करीम है, अल्लाह मेरी दुआ सुन ले। अल्लाह पाक इस दुनिया में जितने भी बेरोज़गार हैं, अल्लाह पाक सबकी मदद फरमा, उनके सदके हमारी भी रोज़ी का दरवाज़ा खोल दे। अल्लाह पाक मेरे शौहर का रोज़गार लगा दे, उसको काम दिलवा दो कोई भी अच्छा सा। अल्लाह पाक हमारे हालात बहुत ख़राब है, मैं जानती हूँ कि मेरा शौहर इतना जालिम नहीं है, गुस्से वाला नहीं है, बस वक्त और हालात के हाथों
मजबूर होके मुझ पे इस तरह से हाथ उठाता है, जुल्म करता है। ऐ अल्लाह पाक उसे माफ़ करना मेरे शौहर की सारी गलतियों को, और बस उसे जल्द से जल्द नौकरी दे दे। ऐ अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, तू गफूर है, तेरे ही बंदे हैं, तुझसे ही मदद मांगेंगे। सुमेरा कहाँ हो? सुमेरा जी जी, पानी लाओ आपके लिए। यार पानी नहीं लाओ, अल्लाह का बड़ा शुक्र हो गया, बैठ जाओ। क्या हुआ? अल्लाह का बड़ा शुक्र हो गया, बैठ जाओ। ये देखो मैं राशि भी लेके आया, नौकरी दे दी, अल्लाह को बड़ा आसान हो गया, अल्लाह का बड़ा करम हो गया, आज बड़ा खुश हूँ। ये देख राशि लेके आया, होगा गुस्सा किया, सॉरी सो सॉरी। तुम कितनी अच्छी हो यार, मेरे लिए दवाएं करती रही ना, अल्लाह ने कबूल कर लिया आज आपकी दवाएं, और अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र होगा कि मुझे नौकरी मिल गई है। बड़ा अच्छी अच्छी नौकरी है, मैं बोलता हूँ मज़े की नौकरी। आज स्कूल से बैठा हूँ वहाँ पे ना, आज तो बड़ा अच्छा दिन गुजरा मेरा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा दिन गुजरा। चलें वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन देखें वक्त और हालात सुख जिंदगी का हिस्सा है। ऐंदा वास्ते नहीं, ये तो नहीं ना, अगर काम नहीं मिल रहा आप मेरे ऊपर गुस्सा नहीं। अच्छा आप छोड़े काम नहीं मिल रहा, अब काम मिले खुश हो। अच्छा मैं अभी आती हूं। अल्लाह नमाज का टाइम, चले मैं भी आज आपके साथ पास पढ़ता हूँ। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं और शुक्राने के नफल पढ़ेंगे कि अल्लाह पाक ने हमारे। चले आज मैं भी नमाज पढ़ता हूँ।